বিজেপিত বৃহত খহনীয়া নির্বাচনের পূর্বে এইবার মধ্যপ্রদেশ বিজেপিত বৃহত খহনীয়া হয়েছে। ইজনের পিছত সিজনক জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতার লগতে প্রাক্তন বিধায়ক প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রাক্তন মন্ত্রীয়ে এতিয়া বিজেপি দল ত্যাগ করেছে। আর দেখিলে পয়া গেছে যে লোকসভা আর বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে বিজেপি দলের প্রতি এতিয়া মোহভঙ্গ হয়েছে খোদ বিজেপি দলের নেতারে। আর ইজনের পিছত সিজনক জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা এতিয়া বিজেপি দল ত্যাগ করে কংগ্রেস দলত যোগদান করেছে। আর নির্বাচনের পূর্বে এতিয়া শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে কংগ্রেস দলের। মধ্যপ্রদেশ বিজেপিত পদত্যাগর জোয়ার, বিজেপি শাসিত রাজ্যতে এতিয়া চরম দুরাবস্থা বিজেপি দলের। অব্যাহত আছে বিজেপিত দল ত্যাগর ধুমুহা, পদত্যাগী নেতায় যোগদান করেছে কংগ্রেসত। বিজেপির প্রতি মোহভঙ্গ এতিয়া বিজেপি নেতার, নির্বাচনের পূর্বেই শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে কংগ্রেসের। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে এতিয়া শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের। ইজনের পিছত সিজনক জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতার লগতে বিজেপির প্রাক্তন বিধায়ক তথা মন্ত্রীয়ে এতিয়া বিজেপি দল ত্যাগ করেছে। এক প্রকার এতিয়া বিজেপির প্রতি সাধারণ লোকের লগতে খোদ বিজেপি নেতারও মোহভঙ্গ হয়েছে। আর পদত্যাগী এই বিজেপি নেতা সকলে এতিয়া যোগদান করেছে কংগ্রেস দলত। আর কব লাগিব যে বিগত প্রায় তিনটা মাহত মধ্যপ্রদেশত 80 জনতকৈও অধিক বিজেপি নেতায় বিজেপি দল ত্যাগ করে কংগ্রেস দলত যোগদান করেছে। আর কব লাগিব যে মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন আর আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে এতিয়া কংগ্রেস দলের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। আর কব লাগিব যে কিছুদিন পূর্বে প্রায় 5,000 নেতা সমর্থকক বহু সংখ্যক বিজেপি নেতা আর উদ্যোগপতিয়ে কংগ্রেস দলত যোগদান করেছিল। ইয়ার পিছত কালির দিন পুনের কেবাগিও বিজেপি নেতায় বিজেপি দল ত্যাগ করে মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস দলত যোগদান করেছে। আর কব লাগিব যে মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে এতিয়া কংগ্রেস দলের শক্তি যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি পাইছে। কংগ্রেস কা ঝন্ডা ইত্যাদি সাল উঠায়া, আপ কংগ্রেস কে প্রতি নিষ্ঠাবান, সবসে বড়ি পরীক্ষা আপনি নিষ্ঠা কি আগলে 3 মহিনে মে याद रखिएगा, ये सबसे बड़ी परीक्षा। आज जो चुनाव हमारे सामने है, ये किसी केवल उम्मीदवार का नहीं है, केवल किसी पार्टी का नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ऐसा चुनाव जहां प्रदेश का भविष्य दांव पर लगा हुए, मैं सोचता हूं मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। और कैसे अपना प्रदेश सुरक्षित रहेगा, ये आप सब की जिम्मेदारी। ये नारे लगा लेना, जिंदाबाद कर लेना, ये सब ठीक है। प्रश्न ये है, आज की राजनीति में और 10 साल पहले की राजनीति में बहुत अंतर है। 5 साल पहले भी 25% लोग सोशल मीडिया से जुड़े थे, आज 95% जुड़े हैं सोशल मीडिया से। जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने नहीं देते। कैसे आप सच्चाई सबको समझाएंगे? प्रदेश की तस्वीर सबके सामने, जगह जगह मैं जा रहा हूं, जिलों में जा रहा हूं, मुझे एहसास हो रहा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता ने पहचान लिया है कि प्रदेश की तस्वीर कैसी है। हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा दुखी किसान, हमारा पीड़ित छोटा व्यापारी, आज ये स्थिति है। नौजवान का भविष्य हमारी सबसे बड़ी चुनौती, ये मैं हमेशा कहता हूं। 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं, यही निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश का भविष्य का। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा? यहां इंदौर इतना बड़ा हब है, हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं। जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है वो हरियाणा पंजाब में अपना उद्योग लगाता है, मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं। नंबर 1 मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में,
भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है। मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, उसमें आप भी है, या तो भ्रष्टाचार के शिकार है या भ्रष्टाचार के गवाह है। सही बात है, ये आज सच्चाई आप सबके सामने, कैसे इन्होंने भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई है। अभी मैं स्पोर्ट्समैन के साथ था, कहते हमें ये पत्र मिला पर ज्वाइनिंग नहीं होती। बोला क्यों नहीं होती, कहते वो शायद कुछ मांगते हैं हमसे, हमारे पास देने लगते। ये आज शिवराज सिंह जी की घोषणा मशीन अब डबल स्पीड पर चल रही है, इनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। इनको 18 साल बाद लाडली बहन याद आई, बहने याद आई, कर्मचारी याद आए, ये सोचते हैं कि इससे ये अपना पाप धो पाएंगे। पर मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है, इस प्रलोभन में नहीं आएंगे। ये प्रलोभन, चुनावी प्रलोभन, शिवराज सिंह जी की घोषणाएं ये पहचानेंगे। और मैं तो ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतने साल आपने कांग्रेस का झंडा उठाया, इतने साल आपने कांग्रेस का झंडा उठाया, अगले 3 महीने सबसे बड़ी परीक्षा है। पूरे निष्ठा के साथ, अपनी निष्ठा से आप बेईमानी मत करिएगा, निष्ठा के साथ आप इंदौर और मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।